बताएंगे अनके द्वारा भी आपको कुछ ना कुछ बढ़िया नाम से तो परिचित हो ही गए होंगे। मेरा नाम प्रिंस कनौजिया, मैं अपना परिचय दे दे रहे हैं पहले। प्रिंस कनौजिया निवासी हूँ, अमेरिका नगर से हम संबंधित हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, आरबी क्लासेस जो मतलब शिक्षा की जगत में बहुत ही कंपटीशन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे कंपटीशन कितना है। हमें यह बताकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारा सिलेक्शन सीआरपीएफ एसएससी जीडी के सीआरपीएफ के पद पर हुआ है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है। वैसे तो हम कभी बोले नहीं हैं, जो बोल पा रहे हैं कभी बोले नहीं है, बुरा मत मानिएगा, जो बोल पा रहे हैं फर्स्ट बार बोल रहे हैं क्योंकि आपके सामने इतने लोगों के सामने। संघर्ष करिए, लगे रहिए, सिलेक्शन तो मिलेगा ही। और हाँ, हमें मतलब एक अच्छी मतलब कोई बोल दे रहे हैं कोई शायरी। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमें ढूंढेंगे न जाने हम कहाँ हों। एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे। कुछ देर के लिए हम सदमे में आ गए थे। तलाश तो उसे किसी और की थी, हम तो खामखा ही रास्ते में आ गए थे। प्लीज सर देखिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है आगे देखिए, कंपटीशन ज्यादा था इसलिए। सब लोग बोलते हैं कि 50,000 वैकेंसियां थी, लेकिन यूपी के लिए सिर्फ हमें लगता है कि 4200 ही सीटें थी। सबको लगता है कि नहीं 50,000 में नहीं हुआ, समझ लीजिए 4200 ही से कैटेगरी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और मतलब स्टेट वाइज समझ ही नहीं है वैकेंसियाँ थी। 4200 ही थी, इसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए यूपी में इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। आप लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा सिलेक्शन, मैं आप अपने बारे में परिचय देता हूँ। मेरा नाम शिवम पांडे, मैं हसनपुर का निवासी हूँ, जो कि आर्मी क्लासेस संस्थान से जुड़ा 2021 में। मैं जब जुड़ा नवंबर में जुड़ा मैं, और दिसंबर मेरा एसएससीजीडी 2021 का पेपर था। मैं उसमें कुछ खास ना कर सका क्योंकि मेरा जो है जीएस और हिंदी बहुत ज़्यादा वीक थे। आदरणीय हमारे गुरु जी हैं, हमारी पहली क्लास में हमसे पूछा गया कि आप महाद्वीपों के नाम बताइए, तो हम महाद्वीपों का नाम नहीं बता सके। जब आप सोचिए हम इतने कमजोर होते हुए यहाँ पहुंच सकते हैं, तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं। और किसी महान पुरुष ने कहा है, सफलता और असफलता में सिर्फ आ का अंतर है, आ मिटाइए और सफल हो जाइए। आपके अंदर ही होता है। आप जब भी पढ़ने बैठिए, अपने माता पिता का चित्र एक बार अपने दिल में और चेहरे में एक बार सोच लीजिए, मन में आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि हमें कितनी जल्दी उनको यह सफल होकर दिखाना है। और हमारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आप ही सरकार, सतेंद्र सरकार, और ये सब पूछ रहे हैं भैया का भाव की बार कहना है टिकट ना है, तो वही है। और एक लाइन यही लिखी हुई है, जब तक कष्ट उठाने को तैयार नहीं होंगे सफलता नहीं मिलेगी, तो ये बहुत ही उचित लाइन लिखी गई है। बाकी जय हिंद जय भारत। सुनो, जो दे गया दर्द जिंदगी भर का, जो दे गया दर्द जिंदगी भर का, वही तेरे लिए खास क्यों है, वही तेरे लिए खास क्यों है। सुल्तानपुर मैच का तो मैं नहीं हूँ, आप लोग जानते नहीं होंगे मुझे, मैं लोरा मोबाइल से था, तो ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं हूँ, कभी एक्सपीरियंस नहीं था। इस बार मेरा ग्रुप डी में जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें आधे से भी कम नंबर 0.37 से नहीं हुआ था, जो कि अभी इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। बी एस एफ पर आप लोग जानते होंगे, इस
जी तो सब लोग ने बहुत कुछ बताया भाइयों ने और सब लोग ने। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम वैभव। शांत रहेंगे, आवाज कभी जाएगी ना। मैं आपकी क्लास के सभी अध्यापकों को सत्संग नमन करता हूँ और प्यारे भाइयों और बहनों को सत्संग प्रणाम करता हूँ। 2021 के पहले मुझे कुछ नहीं आता था। 21 वाली GD के पेपर दिया था तब मुझे पता चला कि कंपटीशन में मैं आ सकता हूँ। लगभग 45 से 50 नंबर से ज्वाइन किया, यहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मेहनत तो की। ये नहीं है कि आप यहाँ 3 घंटे पढ़ के जाएँ रूम पे सोएंगे तो वो नहीं करेंगे। किस्मत हो तो भले हो जाए, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। आप अगर जितना रिवीजन करेंगे उसमें आपको जल्दी सफलता मिलेगी। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये पक्का है, अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जिले के दहमा ग्राम सभा से इस बार मेरा SSC GD TSF के पद पर चयन हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब सोच रहे हैं हम बहुत मेहनत किए हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस समय स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है जो कि इस संस्था द्वारा अवेलेबल किया जाता है, टेलीग्राम द्वारा, क्लास द्वारा, आरबी सर द्वारा, माइक वॉइस से सर यहाँ टेस्ट कराया जाता है बहुत अच्छे से। जबकि मैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक के सभी टेस्ट को लगभग 200 बार रिवाइज किया था, जिसमें से मैथ और रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन नहीं। मैं मैथ का एक क्वेश्चन और रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था, जो मेरी गलती थी, जिसको आरबी सर मैथ 50 बार यहाँ पर पढ़ाए हुए थे। एक बार नहीं, नंबर सिस्टम पर था एक क्वेश्चन, उसको 50 बार यहाँ पर पढ़ाए थे। रीजनिंग का था जो मैं सही किया था, लेकिन उसको फिलअप नहीं अच्छे से कर पाया, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। ऐसा मेरा था 135 नंबर मेरा रॉ मार्क हुआ था, 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। पिछली बार भी हमारा सिलेक्शन 2021 वाला जब था उसमें भी हुआ था, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए थे। 78 नंबर था डोमिसाइल में, डोमिसाइल हमारा गलत हो गया था, सुल्तानपुर भर दिए थे, जबकि हमारा अम्बेडकर नगर जिला है। इसलिए धैर्य रखिए, अगर कुछ हो रहा है आपके साथ आगे सही हो सकता है। मेहनत की आगे इस बार हुआ, थोड़ा देर ही सही लेकिन मिला तो सही। सबसे ज़्यादा फायदा किया हमारे पेपर में तो टेस्ट था, जो कि बराबर होता रहता है, कुछ भी हो यहाँ से कुछ बाहर नहीं आता था। पेपर में गए थे कोई दिक्कत नहीं हुआ। काफी यहाँ का जो टेस्ट था इतना उपयोगी हुआ कि पेपर 1 घंटे का था, हमारा पेपर केवल 50 मिनट में ही हो गया था इस टेस्ट की वजह से। कुछ टेस्ट जो था मैं टेस्ट बुक पर भी दिया था, प्रीवियस ईयर के टेस्ट जो थे, लगभग पर डे एक टेस्ट मैं देता था, पर डे एक टेस्ट देता था। इसी की वजह था जो मेरे टाइम मैनेजमेंट था जो बहुत अच्छे से हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सब भी आइए यहाँ पर पहुँचे, बहुत सब कुछ आपके लिए है। आप सुनते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा।